फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बटर गार्लिक प्रॉन्स। ये बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी ऐसी सी फूड की रेसिपी। देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स प्रॉन्स, जिसको मैंने धोकर साफ करके लिया है। उसके ऊपर मैं डाल दूंगी आधा नींबू का रस और डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करना है इसको और रख देना है 10 मिनट के लिए मैरिनेशन को। चलिए, जब तक मैरिनेट होते हैं प्रॉन्स हमारे, काट लेते हैं गार्लिक। एक बल्ब गार्लिक लिया है मैंने यहाँ पे। गार्लिक इसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बटर गार्लिक प्रॉन्स है तो गार्लिक ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। गार्लिक भी तैयार हो चुका है, काट लेते हैं थोड़ी सी कोरिएंडर। बारीक काटना है, बिल्कुल फाइनली चॉप कोरिएंडर चाहिए 2 टेबल स्पून। प्रॉन्स मैरिनेट हो चुके हैं। चलिए, कढ़ाई में लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। अब बटर को मेल्ट होने देना है। बटर यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चलिए, डाल देते हैं चॉप्ड गार्लिक। अच्छे से सौटे कर लेना है, अच्छे से भून लेना है गार्लिक को, ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड प्रॉन्स को और इसको भी भून लेना है। 2-3 मिनट तक प्रॉन्स को अच्छे से भून लेना है। अब डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून और डाल देंगे जो धनिया हमने काट के लिया था उसको। धनिया को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जल्दी पक जाते हैं, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 2 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने इसमें। और अच्छे से मिक्स करके, पानी इसलिए डालना है ताकि ये पक भी जाए और गार्लिक का फ्लेवर भी सोख हो जाए इसमें। 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। रेडी हो चुके हैं हमारे बटर गार्लिक प्रॉन्स। ये अक्सर स्टार्टर के रूप में खाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करें। अगली बार फिर से मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।